विपक्ष के उलट बीजेपी बजट की तारीफ कर रही है और उसका कहना है कि बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, रीमा फराशन ने, आइए देखते हैं। हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। नितिन जी, हाईवेज, रोड्स, सबके लिए बहुत पैसा दिया गया और बहुत योजनाएं दी गई। निश्चित रूप से देश के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार की निर्मित होगी, और रोजगार की निर्मित होगी तो निश्चित रूप से गरीबी दूर होगी। और इसलिए पोर्ट है, रोड है, रेलवे है, इसके तरफ बहुत निगलेक्ट किया गया था और हमारी सरकार ने पहली बार इस तरफ ध्यान दिया। पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देते समय उन्होंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दिया, मनरेगा का भी पैसा बढ़ाया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बढ़ाया और प्रधानमंत्री सिंचन योजना के लिए भी 5,000 करोड़ रुपये दिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है, जब तक योजनाएं लागू नहीं होंगी तो क्या फ़ायदा। हताश विपक्ष क्या कहेगा, अब तो ये एक्सपोज हो गया ना। कोल स्कैम जो था 188,000 करोड़ और ज़्यादा निकल रहा है, क्योंकि ऑक्शन में एक एक जगह जो पैसा निकल रहा है उससे ध्यान में आ रहा है उनको कि यह कैसा फ्रॉड इन्होंने किया था। अब 4G में भी जो स्पेक्ट्रम है उसका भी ध्यान में आया, और स्वाभाविक रूप से सीधी बात है, छोड़ो विपक्षी और पॉलिटिकल बात, इनके समय 4.5% GDP था जो 8% जा रहा है, दुगना हो रहा है। अब जब हमारा ये प्रगति और विकास की ओर देश जा रहा है तो विपक्ष के पास इतनी तो दिलेरी नहीं है कहने की, और बेचारे फ्रस्ट्रेट है, निराश है, और इसके कारण ये बोल पाते। तो काले धन पर भी एक नया कानून लाने की बात की गई है। विपक्ष अब तक काले धन को लेकर सवाल पूछता रहा था, क्या वो जवाब है? अरे भाई, 10 साल जिनकी सरकार थी उन्होंने क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं लाया, क्यों नहीं इच्छा शक्ति बताई? पहली बार हमारे प्रधानमंत्री ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने और सरकार ने स्ट्रांग पॉलिटिकल विल बताई कि हम काले धन को वापस लाएंगे, कानून बनाएंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक की आमदनी पर 10% की दर से टैक्स लगेगा। वहीं 5 से 10 लाख तक की आमदनी पर 20% की दर से टैक्स देना होगा, जबकि 10 लाख की ज्यादा से आमदनी पर 30% की दर से टैक्स देना होगा। Our stated policy is to avoid surprises and instability in tax policy. Exemption to individual taxpayers will, however, continue since they facilitate savings and get transferred to investment and economic growth. अगर आप इनकम टैक्स स्लैब को तफशील से समझना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए है तो आपको पहले की तरह 25,000 रुपए टैक्स देने होंगे। इसी तरह 6 लाख पर 45,000, 7 लाख पर 65,000, 8 लाख पर 85,000 रुपए टैक्स भरने होंगे। अगर आपकी सालाना आय 9 लाख है तो आपको हर साल 1,05,000, 10 लाख पर 1,25,000 और 11 लाख पर 1,45,000 टैक्स चुकाना होगा। After taking into account the tax concessions given to the middle class payers in my last budget and in the present one, including the earlier concessions, an individual taxpayer can now get benefit up to ₹4,44,200 as detailed in the annexure. As and when my fiscal capacity improves, individual taxpayers will have a lot to look forward to. अगर आप निवेश करते हैं तो 4,44,200 रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना होगा। 2.5 लाख रुपए की आय तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 80C के तहत 1.5 लाख तक का निवेश टैक्स फ्री होता है, जबकि वित्त मंत्री ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर सालाना छूट 19,200 रुपए तक कर दी है। वहीं मेडिक्लेम पर सालाना छूट 25,000 रुपए।